हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी साग की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करें रेसिपी। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने मेथी साग ले ली है। सारे अच्छे से हमने इस तरह डंठल से लीफ को तोड़ के अलग कर लिया, उसे अच्छे से हमने साफ कर लिया है। तो दो बंच हमने मेथी साग ले लिया है, साथ में तीन हरी मिर्च और चार पांच हमने लहसुन की कलियां ले ली है। इसे अच्छे से हम काट लेंगे पीसेस में। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम तेज फ्लेम में कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे और साथ में इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़े चम्मच के हिसाब से ऑयल डाला है। और सारे ऑयल जब गर्म हो जाए थोड़ी, तब उसमें हम हरी मिर्च और लहसुन सारे डाल देंगे और इसे थोड़े से हम हल्का भून लेंगे। ज़्यादा इसे नहीं भुनेंगे, नहीं तो साग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हल्का भुनेंगे। जब ये हल्की भुनी हो जाए, तब सारे साग जो हमने साफ करके रखे हैं इस ऑयल में डाल देंगे। तो सारे साग हमें डाल लेना है। इस तरह सारे साग हमने कढ़ाई में डाल ली है। अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच के हिसाब से हम नमक डालेंगे, क्योंकि काफ़ी हल्की नमक इसमें लगती है, तो ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। अब नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे चारों ओर से। तो नीचे से ऊपर की ओर हमें चला लेना है, ताकि जो लहसुन और जो गार्लिक और चिली है वो सारे ऊपर नीचे अच्छे से मिल जाए। इस तरह एक दो बार हमें चारों ओर से अच्छे से सब्जी को चला के हमें ढक्कन से ढक देनी है और करीब 5 से 7 मिनट हमें कम आँच में इसे छोड़ देना है थोड़ा पकने के लिए। तो कुछ मिनट पकने छोड़ने के बाद हम इसे फिर से देख लेते हैं। तो ढक्कन हमने हटा लिया है। यहाँ देख सकते हैं साग बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो साग पकने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो कुछ मिनटों में ही देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मेल्ट हो गई है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। अब हम गैस के फ्लेम को तेज करके थोड़ा सा इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। तो सिर्फ 1-2 मिनट इसे अच्छे से हम इस तरह चला लेंगे। इस तरह से थोड़े से हम इसे इस तरह मेल्ट करने से थोड़ा जो साग है और अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और फिर यहाँ पर देखिए साग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे, साग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मेथी की साग सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे आप डाइट रेसिपी में ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल कम समय में बहुत जल्दी बन जाती है और सूखे रोटी के साथ ये काफ़ी अच्छी लगती है। मेथी की साग के साथ सूखी रोटी काफ़ी टेस्टी लगती है। आप अपने पसंद के रेसिपी रोटी या राइस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। तो बहुत ईजी जल्दी से बन जाती है और सेहत के लिए काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।